हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम स्टडी जी के फ्रेंड्स, अभी हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 की घोषणा की गई, जिसमें बहुत सारे पुरस्कार वितरित किए गए, जैसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार। ठीक है, तो फ्रेंड्स इनके बारे में हम वीडियो लेकर आए, कंप्लीट वीडियो। इसमें हम पूरा पूरा थ्योरी सेक्शन कंप्लीट करेंगे और साथ में बाद में 20+ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी लगाएंगे, तो लास्ट ईयर एग्जाम में पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में। चलिए वीडियो फटाफट शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, बात करें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की, तो जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार होता है, ये भारत के खेल रत्न के बाद जो दिए जाने वाला सबसे बड़ा खेल रत्न पुरस्कार होता है। यानी राजीव गांधी खेल रत्न क्या होता है, भारत में जो खेल के क्षेत्र में दिए जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। और ये उन खिलाड़ियों को दिया जाता है जो जिन्होंने अपने पिछले 4 साल के अंतर्गत उत्कृष्ट प्रदर्शन किया हो किसी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। ठीक है फ्रेंड्स, और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1991-92 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक, तो अब बात करते हैं, सबसे पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला किसको, तो ग्रैंड मास्टर थे शतरंज के विश्वनाथन आनंदन को मिला था। ठीक है, सबसे पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, और इस साल 2020 में 5 खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार सम्मानित किया गया। फ्रेंड्स, ये पहली बार है जब 5 खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। इससे पहले 2016 में 4 खिलाड़ियों को मिला था। तो अब बात करते हैं, तो 2020 में किस किस खिलाड़ी को मिला है, तो रोहित शर्मा को क्रिकेट के क्षेत्र में मिला है, मनिका बत्रा को टेबल टेनिस के क्षेत्र में, मरियप्पन थंगावेलू को पैरा एथलीट हाई जंपर के, हाई जंपर है पैरा एथलीट हाई जंपर। ठीक है, विनेश फोगेट को रेसलिंग के लिए मिला है, और रानी रामपाल को हॉकी इंडिया टीम की जो कप्तान है उनको हॉकी, महिला हॉकी के लिए मिला है। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ पे जो मोस्ट इंपोर्टेंट बात है कि जो रोहित शर्मा है वो राजीव गांधी खेल रत्न पाने वाले 4थे क्रिकेटर हैं। इससे पहले सचिन तेंदुलकर, MS धोनी और विराट कोहली, इन तीनों को क्या मिला, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिल चुका है। ठीक है, तो ये 4थे क्रिकेटर हैं। तो फ्रेंड्स, ये राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार को हमने डिस्कस किया, इनको याद रखिएगा 5ों खिलाड़ियों के नाम। ठीक है, रोहित शर्मा, मनिका बत्रा टेबल टेनिस तो हो गई, मरियप्पन थंगावेलू पैरा एथलीट हाई जंपर, और विनेश फोगाट रेसलिंग, और रानी रामपाल महिला हॉकी टीम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बात करें अर्जुन पुरस्कारों की, तो अर्जुन पुरस्कार क्या होता है, ये राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के बाद दिए जाने वाला दूसरा पुरस्कार होता है। इसकी स्थापना 1961 में की गई थी, और इस साल 2020 में वैसे तो 29 खिलाड़ियों को मिलना था, लेकिन अभी 2 खिलाड़ियों को उनसे क्या कर दिया गया, इनको पुरस्कार नहीं दिया गया, और 27 खिलाड़ियों को क्या किया, अर्जुन पुरस्कार की प्रदान किए गए। अब इन 27ों के नाम याद करना तो इंपॉर्टेंट है नहीं, चलिए मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से खिलाड़ियों के नाम इंपॉर्टेंट है। तो पहले ये दुती चंद, ये एथलेटिक्स हैं। ठीक है, उसके बाद ईशांत शर्मा को दिया गया, ये क्रिकेटर हैं, और दीप्ति शर्मा, ये भी महिला क्रिकेटर हैं। ठीक है, दिव्या काकरण, ये रेसलिंग के क्षेत्र में, मनु भाकर शूटिंग के क्षेत्र में दिया गया है, और उसके बाद सौरभ चौधरी को भी शूटिंग के क्षेत्र में, यानी कि मनु भाकर और सौरभ चौधरी को दोनों को शूटिंग के क्षेत्र में, और दत्तू भवन भोकालन को रोइंग के क्षेत्र में दिया गया। ये इंपॉर्टेंट है, दत्तू भवन भोकालन ये पिछले 2-3 सालों से काफी चर्चा में रहे हैं, इनका नाम इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखिएगा। अर्जुन पुरस्कार 27 लोगों को दिया गया, लेकिन इनमें जो मोस्ट इंपोर्टेंट हो सकते हैं उनके नाम ये है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बात करते हैं द्रोणाचार्य पुरस्कारों की, तो द्रोणाचार्य पुरस्कार उनको दिया जाता है, उनका जो कोचों को दिया जाता है जिन्होंने क्या किया है, खेल के क्षेत्र में बहुत ही प्रतिभाशाली कोचों को प्रदान किया जाता है, और 2020 में 8 लोगों को क्या किया, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। ठीक है, और इसके बाद भी निजी क्षेत्रों में भी कुछ पुरस्कार बांटे गए, देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो लाइफ टाइम श्रेणी में तो कुल मिला के 8 लोगों को दिए गए, तो इनमें 8ों के नाम इम्पोर्टेंट नहीं है, इनमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है श्री धर्मेश तिवारी, ये तीरंदाजी के क्षेत्र में दिया गया। ठीक है, इसके बाद है श्री नरेश कुमार, ये टेनिस के क्षेत्र में, और श्री ओम प्रकाश ददिया, ये कुश्ती के क्षेत्र में, इनको क्या मिला, द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त हुआ। इनका तीनों का नाम इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, इनका नाम याद रखिएगा। और ये यहाँ है जसपाल राणा, नियमित श्रेणी में, इनको नियमित श्रेणी में जसपाल राणा को ये शूटिंग में क्या दिया गया, नियमित श्रेणी में 2-4 पुरस्कार प्रदान किया गया, इनका नाम याद रखिएगा। चलिए बात करते हैं अब मेजर ध्यानचंद अवार्ड की, तो मेजर ध्यानचंद अवार्ड का मिलता है तो खेल के क्षेत्र में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार होता है, इसकी स्थापना 2002 में की गई थी। ठीक है, और ये इस साल कितने 15 लोगों को क्या मिला है, इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है, मेजर ध्यानचंद अवार्ड से। देखते हैं 15 लोग कौन से हैं, इनमें सबके नाम इम्पोर्टेंट नहीं है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है स्वर्गीय श्री सचिन नाग, तैराकी में इनको मिला है। अब सचिन नाग को इसके लिए क्यों मिला है, क्योंकि इनको मरणोपरांत ये पुरस्कार प्राप्त हुआ है, इसका नाम याद रखिएगा, क्योंकि इनको मरणोपरांत ये मेजर ध्यानचंद अवार्ड मिला है, बाकी सारे के नाम इम्पोर्टेंट नहीं है। तो फ्रेंड्स, और अगला अवार्ड देखते हैं, ये मेजर ध्यानचंद अवार्ड हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अवार्ड है कि जो विजेता राशि थी इनमें पुरस्कारों में क्या हुई कि चेंज कर दी गई है। पहले जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था इनमें 7.4 लाख रुपए मिला करते थे, ठीक है, जो विजेता व्यक्ति था,
जो खिलाड़ी होता था, लेकिन अब उसकी नई राशि कितनी कर दी गई, 25 लाख रुपए कर दी गई है। अर्जुन अवार्ड में पहले 5 लाख रुपए मिलते थे, अब उसकी विजेता राशि 15 लाख रुपए कर दी गई है। और द्रोणाचार्य अवार्ड में पहले 5 लाख मिलते थे, उसकी राशि 10 लाख कर दी गई है। और ध्यानचंद अवार्ड में पहले 5 लाख मिलते थे, उसकी राशि 15 लाख कर दी गई। तो जितनी यानी अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य, ध्यानचंद पुरस्कार में 5 से 15 लाख और द्रोणाचार्य पुरस्कार में 10 लाख रुपए कर दिया, और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार में 7.5 लाख से 25 लाख कर दी गई है नई विजेता राशि। ठीक है, चलिए एक और देखते हैं। ये भी माका ट्रॉफी जिसको कहते हैं, मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी, ये ठीक है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि इसकी स्थापना जो हुई थी 1956-57 में इसकी स्थापना की गई थी, और ये इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट में दिया जाता है, यानी यूनिवर्सिटी के अंतर्गत जो भी टूर्नामेंट कराया जाता है उसमें सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली यूनिवर्सिटी को यह प्रदान किया जाता है। और अभी हाल ही में जो पंजाब यूनिवर्सिटी है जो छत्तीसगढ़ में, उसको इस ट्रॉफी से सम्मानित किया गया। और फ्रेंड्स, पंजाब यूनिवर्सिटी के बारे में एक और बात इंपॉर्टेंट है कि जो पंजाब यूनिवर्सिटी है, इसी ने अभी हाल ही में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2020 में क्या किया, इसी ने विनर रही है, उड़ीसा में जो आयोजित हुए थे उसकी चैंपियन थी ये पंजाब यूनिवर्सिटी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा थ्योरी सेक्शन कंप्लीट होता है। ठीक है, इसके बाद हम देख लेते हैं एग्जाम में कौन कौन से इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई, 91-92 में इसकी शुरुआत हुई, और सबसे पहले किसको मिला गया था ये पुरस्कार, तो जो शतरंज मास्टर थे आनंद, उनको मिला था। ठीक है, 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया द्युति चंद्र को, नहीं शांत शर्मा को, नहीं साक्षी मलिक को, साक्षी मलिक को तो कोई पुरस्कार नहीं मिला, रोहित शर्मा को इससे सम्मानित किया गया। ठीक है, अगला है, पैरा एथलेटिक हाई जंपर को 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार सम्मानित किया गया, किस पैरा एथलेट को, मरियप्पन थंगावेलू को इससे सम्मानित किया गया है। ठीक है, ये एक पैरा एथलेट हाई जंपर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मोनिका बत्रा को 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार सम्मानित किया गया, वे किस खेल से संबंधित है, मोनिका बत्रा किस खेल से संबंधित है, मोनिका बत्रा क्या है, एक रेसलर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 2020 में कितने खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार सम्मानित किया गया, तो 5 खिलाड़ियों को, और ये पहली बार है। ठीक है, इससे पहले 2016 में 4 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया। रोहित शर्मा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले कौन से क्रिकेटर हैं, तो कौन से क्रिकेटर हैं, चौथे क्रिकेटर हैं, इससे पहले एमएस धोनी, सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली इस खेल पुरस्कार को पा चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अर्जुन पुरस्कार की स्थापना कब की गई थी, तो अर्जुन पुरस्कार की स्थापना 1961 में की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2020 में कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार सम्मानित किया गया, तो 29 खिलाड़ियों को मिलना था, लेकिन उसमें कितने खिलाड़ियों को मिला, 27 को। ठीक है, 2 खिलाड़ियों को, साक्षी मलिक को नहीं दिया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दत्तू बबन भोकानल को इनमें से कौन सा खेल पुरस्कार दिया गया, तो दत्तू बनन भोकानल को अर्जुन पुरस्कार सम्मानित किया गया, और जो दत्तू बनन भोकानल है ये रोइंग खेल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन 2020 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया, अर्जुन पुरस्कार से द्युति चंद को अर्जुन पुरस्कार दिया गया, हाँ दिया गया, दीप्ति शर्मा को खेल के क्षेत्र में दिया गया, क्रिकेट के क्षेत्र में ईशांत शर्मा को भी, तीनों को दिया गया, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिव्या काकरण को 2020 अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया, वो किस खेल से संबंधित है, तो दिव्या काकरण क्या है, एक रेसलर है। ठीक है, कुश्ती के क्षेत्र में इनको, दिव्या काकरण को 2020 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया, इनका नाम इंपॉर्टेंट है, इनका रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, 2020 में द्रोणाचार्य पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया, तो द्रोणाचार्य पुरस्कार से सचिन नाग को, जसपाल राणा को सम्मानित किया गया है, इनका नाम इंपोर्टेंट है सर, किसका, जसपाल राणा को। ठीक है, चर्चा में रहे थे ये भी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार की स्थापना कब की गई थी, तो 2002 में मेजर ध्यानचंद पुरस्कार की स्थापना की गई थी, ऑप्शन बी। मरणोपरांत किसको मेजर ध्यानचंद अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो अभी सचिन नांग को मरणोपरांत मेजर ध्यानचंद अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो इनका नाम इंपॉर्टेंट है, इनका याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2020 में मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी किसे प्रदान की गई, तो पंजाब यूनिवर्सिटी को छत्तीसगढ़ में जो कि स्थित है, मौलाना अबुल कलाम जिसको माका ट्रॉफी भी कहते हैं, इसे सम्मानित किया गया, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2000 प्राप्त करने वाले खिलाड़ी की नई विजेता राशि कितनी हो गई है, पहले कितना मिलता था, 7.5 लाख मिलता था, लेकिन नई विजेता राशि कितनी कर दी गई है, 25 लाख कर दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्जुन पुरस्कार 2020 प्राप्त करने वाले खिलाड़ी की नई विजेता राशि कितनी कर गई है, 15 लाख, पहले कितनी थी, 5 लाख से 15 लाख कर दी गई है। और यही ध्यानचंद पुरस्कार प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों की नई विजेता राशि कितनी कर गई है, तो पहले 5 लाख थी, उसको भी बढ़ा के अब 15 लाख कर दिया गया है, लेकिन जो द्रोणाचार्य पुरस्कार उसकी प्राप्ति भी 5 लाख थी, लेकिन उसको 10 लाख किया गया, उसको 15 लाख नहीं किया गया। अगला, पहली बार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसे प्रदान किया था, किसको, ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंदन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2020 राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया, किसको प्रदान किया गया, मनु भाकर को, नहीं प्रदान किया गया मनु भाकर को। ठीक है,
रानी रामपाल को यह प्रदान किया गया, विनेश फोगाट को। तो इनको दोनों को क्या किया गया, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला 2020 में। तो यानी ऑप्शन डी, बी और सी दोनों हो जाएंगे। राष्ट्रीय खेल दिवस तो मनाया जाता है, तो हर साल 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है और इसी दिन इनको सारे पुरस्कारों को वितरित किया जाता है। लेकिन अभी हाल ही में कोरोना के चलते इन पुरस्कार सब जितने लोगों को ये खेल पुरस्कार प्राप्त होने हैं उनको एक एक करके यानी इंडिविजुअली सबको पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। फ्रेंड्स ये हमारा सारा का सारा क्वेश्चन आंसर सेट समाप्त हुआ। इससे डेफिनेटली आने वाले एग्जाम में एक दो क्वेश्चन जरूर बनेंगे। तो आइए आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।